मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट लार्ज नंबर ऑफ ए स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर नंबर वन। तो लार्ज नंबर पढ़ने से पहले यानी नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग डिजिट देख लेते हैं। डिजिट क्या होता है? तो डिजिट जो होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 10 डिजिट होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट से हमारे स्टैंडर्ड नंबर बने हुए होते हैं। अगर एग्जांपल देखा जाए 35, इसमें 5 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, यानी जो भी नंबर होगा इन्हीं 10 डिजिट से बना होता है। तो पहले देखते हैं कि वन डिजिट नंबर क्या होता है। वन डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही हमारा वन डिजिट नंबर होता है 1, 2, 9। अब इसमें देखा जाए तो वन डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, और एंड कहां पे हो रहा है? 9 पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हमारा क्या होगा, यानी स्मॉलेस्ट वही होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है वन डिजिट नंबर। तो वन डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 1। और लार्जेस्ट अगर वन डिजिट नंबर देखा जाए तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा, जहां पे वन डिजिट नंबर एंड हो रहा है वही हमारा लार्जेस्ट होगा। स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है? 9 पे। तो हमारा लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9। तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 1 होता है और लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9 होता है। उसके बाद टू डिजिट नंबर देखते हैं कि टू डिजिट नंबर क्या होता है। तो टू डिजिट नंबर का मतलब है कि वो वैसा नंबर जो दो डिजिट से मिल के बना हो। तो मतलब अगर 65 देखे तो यहाँ पे दो डिजिट है, एक 5 और एक 6। 99 देखे तो यहाँ पे एक 9 डिजिट है और 9, दो डिजिट से मिल के जो भी नंबर बना होगा वो टू डिजिट नंबर होगा। तो टू डिजिट नंबर हमारा 10 to 99 होता है। 10, 11, 12, 99, यानी टू डिजिट नंबर हमारा 10 to 99 तक होता है। तो इसमें भी स्मॉलेस्ट देखा जाए टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हमारा क्या होगा, मतलब स्मॉलेस्ट वही होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो टू डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है? 10 से। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 10। लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर जहां पे टू डिजिट एंड हो रहा है तो एंड कहां हो रहा है? 99 पे। तो लार्जेस्ट हमारा टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 99। उसके बाद टू डिजिट के बाद थ्री डिजिट नंबर देखते हैं कि थ्री डिजिट नंबर क्या होता है। तो थ्री डिजिट नंबर का मतलब है कि वैसा नंबर जो थ्री डिजिट से बना हो। थ्री डिजिट नंबर जो थ्री डिजिट से बना होगा 2, 3, 4। अगर एक लेते हैं एग्जांपल 2, 3, 4 यानी 234। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक डिजिट 4 है और एक 3 है और एक 2 है। तो मतलब ये 3 डिजिट नंबर है क्योंकि 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। तो 3 डिजिट नंबर हमारा 100 से स्टार्ट होता है। 100, 101, 102 और ये 999 तक जाता है। तो इसका भी स्मॉलेस्ट देखते हैं, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो स्मॉलेस्ट का मतलब यह है कि अगर थ्री डिजिट नंबर पूछा जा रहा है तो थ्री डिजिट नंबर जहां से स्टार्ट होता है वही हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो थ्री डिजिट नंबर हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 100 से। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 100। लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा?
लार्जेस्ट वही होगा जहां पे ये डिजिट इन कर रहा है, तो थ्री डिजिट हमारा इन कहां करता है 999 पे, तो 999 हमारा क्या हो जाएगा थ्री डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 999। उसके बाद थ्री डिजिट के बाद फोर डिजिट नंबर देखते हैं कि फोर डिजिट क्या होता है। तो फोर डिजिट नंबर का मतलब यह है कि जो फोर डिजिट से नंबर बना होगा वो फोर डिजिट नंबर होगा। अगर इसका भी एग्जांपल है 7 5 6 8, यहां पे देखें तो एक डिजिट 8 है, 6 है, 5 है, 7 है, ये चार डिजिट से मिलके बना है, इसको हम लोग बोलेंगे फोर डिजिट नंबर। तो फोर डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है 1000 से स्टार्ट होता है, 1001, 1002, और ये आपका जाएगा 9999 का। तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर होगा जहां से हमारा स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर शुरू हो रहा है, मतलब जहां से हमारा फोर डिजिट नंबर शुरू हो रहा है वही हमारा फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो फोर डिजिट नंबर हमारा कहां से शुरू हो रहा है 1000 से, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1000। अब लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर मतलब जहां पे ये फोर डिजिट नंबर एंड कर रहा है वही हमारा फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा। तो फोर डिजिट कहां पे एंड कर रहा है 9999, तो 9999 हमारा क्या हो जाएगा फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को फोर डिजिट तक ही पढ़ना है, तो फोर डिजिट के हम लोग पढ़ चुके हैं फोर डिजिट तक की नंबर क्या होता है, वन डिजिट नंबर क्या होता है, टू डिजिट नंबर क्या होता है, थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, फोर डिजिट, और सभी डिजिट के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बारे में भी पढ़ लिए कि किसी भी अगर डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट जहां से वो डिजिट जहां से वो नंबर जिस डिजिट का स्टार्ट होता है वही आपका स्मॉलेस्ट होगा, और जहां पे वो एंड कर रहा है वो आपका लार्जेस्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।